सीहोर जिले में पिछले 7 दिनों से 952 संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने बड़े ही नए अंदाज में प्रदर्शन किया है। यहां सभी स्वास्थ्य संविदा कर्मी पीपीआई किट पहनकर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर नारे भी लगा रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि संविदा स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा पूरे प्रदेश में पिछले 7 दिनों से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है और यह हड़ताल तब तक जारी रहेगी तब तक संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जाता। कर्मचारियों का कहना है कि संविदा कर्मियों के साथ सरकार सौतेला व्यवहार करती है। कर्मियों ने कोरोना काल के दौरान बिना अपनी जान की परवाह किए जनता की सेवा की है, फिर भी हम नियमितीकरण के उपेक्षित है। हम आपको बता दें कि जब से संविदा स्वास्थ्य कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है तब से कई प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो रही है। कोविड के समय में दोनों कोविड के समय में हमारे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डाल करके हजारों लाखों लोगों की जानें बचाई है। तो जिन संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डाल करके जनता की जान बचाई है, आज उनकी नौकरी खतरे में है। और हम ये सरकार से मांग करना चाहते हैं कि हमारी जो मुख्य दो मांगे हैं, सभी 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियमित किया जाए और जो अनावश्यक रूप से अप्रेजल के नाम पे सेवा से बाहर किए गए हैं कर्मचारी, निष्कासित किए गए, उन्हें सेवा में तत्काल लिया जाए। 15 साल हो गए संविदा में नौकरी करते हुए और कोरोना में भी हम लोगों ने बिल्कुल बढ़ चढ़ के भाग लिया। जो भी मतलब मालूम पड़ता था कि इस घर में मरीज कोई कोरोना पॉजिटिव हुआ है तो हमारे अधिकारी फोन लगा देते थे, उनसे जाके मिलो, उनके घर वालों के सैंपल कलेक्ट करवाओ, ये सब काम करा है। और उसके बाद अभी वैक्सीनेशन जो हुआ था कोरोना का, सभी लोगों को वैक्सीनेशन करने में हम लोग सबसे आगे रहे। रात को 8-8 बजे तक, सुबह 7 बजे से 8 बजे तक भी वैक्सीनेशन करें। हमारी ये मुख्य मांग है नियमितीकरण हो,